नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। इंदौर के महू में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। टिकट ना मिलने से नाराज पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार बगावत पर आ गए और पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ दिनों से चर्चा थी कि दरबार 2 तारीख को अपना नामांकन फॉर्म वापस लेंगे, लेकिन दरबार ने अपना नामांकन फॉर्म वापस नहीं लिया, यानी अब तय हो गया है कि वह महू से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने महू से इस बार रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया है। उम्र में जीवन का सबसे दुखद दिन है कि जिस पार्टी के लिए हमने छोटे छोटे थे विरासत में मिले, जी पिताजी कांग्रेस में थे, हम साइकिल से हो या पैदल हो झंडे लेके दौड़ा करते थे प्रकाश सैनी जी के चुनाव, जाल साहब के चुनाव में, तब से पार्टी में है और उसके बाद संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 2 बार चुनाव जीता भी हूँ और उसके बाद 3 बार चुनाव मेरा लूज भी हुआ, उसके बावजूद भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है, घर को बर्बाद करके। तो कहावत है ना कि घर जला के तीरथ करते, मैंने ऐसा काम किया। राहुल जी की 2-2 सभा मैंने अपने व्यक्तिगत एफर्ट से की है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो इसे मेरे सीचा है पार्टी को, चाहे कार्यकर्ताओं को लिए मैं खाना घेरना पड़ा हो या कुछ भी करना पड़ा हो, तो मैंने किया है और ऐसे में मेरा टिकट काट के ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो पार्टी में 3 दिन हुए आए थे और जो 3 दिन सत्ता जाने के 3 दिन बाद चला गया हो, 20 साल। ये कितनी दुखद घटना है, हर कार्यकर्ता स्तब्ध है, हर कार्यकर्ता इस प्रश्न का उत्तर हाईकमान से मांग रहा है। खूब इंतजार किया है, खूब फैक्स किए हैं, परंतु उनके कान में जू नहीं रहेगी, मजबूरी में मुझे प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।